हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3ds मैक्स के अंदर पॉली काउंट को आप कैसे ऑन कर सकते हैं कि आपके व्यू पोर्ट पे पॉलीगन्स को काउंट करता रहे, ट्रायंगल्स को काउंट करता रहे, एजेस या वर्टेक्स को काउंट करे, तो उसको आप किस तरीके से ऑन कर सकते हैं। तो मान लो मेरे पास एक यहाँ पे स्फीयर है और मैं यहाँ पे एक स्फीयर लगाता हूँ, तो मैं इसके पॉली काउंट देखना चाहता हूँ कितने पॉलीगन्स हैं इसके अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें एंड जाएं कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट्स पे। अब आप देखोगे आपके पास एक व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यही डायलॉग बॉक्स को आप ओपन व्यूज पे जाके और यहाँ से भी कर सकते हैं व्यू पोर्ट्स कॉन्फ़िगरेशन। आप इस पर क्लिक करें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका सेटअप। सेटअप में आपकी पॉलीगन काउंट, ट्रायंगल काउंट, एज काउंट, वर्टेक्स काउंट एंड फ्रेम पर सेकंड काउंट, जिस जिसको आप देखना चाहते हो आप उनको ऑन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सबको ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन है कि टोटल देखना है, टोटल मतलब आपके स्क्रीन पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको एक टाइम में काउंट करके देखना है, या ओनली जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कर रहे हो उस सिलेक्शन के आपको पॉलीगन देखने हैं, या टोटल भी देखना और उस सिलेक्शन के पॉलीगन्स भी देखने हैं, तो आप टोटल प्लस सिलेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन में जाएं एंड शो करें। तो ये मैंने सबको ऑन करके टोटल प्लस सिलेक्शन पे क्लिक करके अप्लाई किया एंड ओके। अब आप देखोगे कि आपके पास मान लो दो, अब यहाँ पे एक कॉन है और एक स्फीयर है। अब अगर मैं किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं करता हूँ तो यहाँ पे देखो टोटल काउंट आपको आ रहा है। इंडिविजुअल देखना है तो आप क्लिक करो तो यहाँ पे इंडिविजुअली भी आपको शो कर रहा है। क्या क्या शो कर रहा है, सबसे पहले आपके पॉलीगन्स, टोटल पॉलीगन्स इतने और स्फीयर के अंदर पॉलीगन्स इतने हैं, टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, टोटल एजिस कितने हैं इन और स्फीयर के अंदर एजिस कितने हैं, टोटल वर्टेक्स कितने हैं एंड स्फीयर में वर्टेक्स कितने हैं। और जैसे आप अपने व्यू पोर्ट को मूव करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेम पर सेकंड आपका यहाँ पे शो करेगा कि आप कितने फ्रेम पर सेकंड की से आप अपने व्यू पोर्ट को मूव कर रहे हो। अब अगर मैं डिटेल में इस चीज़ को समझाऊँ आपको, अगर आपके पास ये स्फीयर है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाता हूँ और सेगमेंट को कम करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे उसके पॉलीगन्स कम हो रहे हैं। बेसिकली मिनिमम मैं इसके 4 सेगमेंट्स कर सकता हूँ। जैसे मैंने 4 किए तो अब आपको बताएगा कि टोटल पॉलीगन 8 है। 8 पॉलीगन मतलब जो 4 फेसिस हैं, ठीक है, 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो टोटल पॉलीगन हो गए 8। ट्रायंगल से 8 पॉलीगन और ट्रायंगल एक ही बात होती है, इसका डिफरेंशिएट करेक्टर मॉडलिंग में होता है, तो वो आगे आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद टोटल एजेस कितनी है, तो आप देख पा रहे हो टोटल एजेस है 12, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये साइड वाली, ठीक है, और टोटल वर्टेक्स है 6। तो आप देख सकते हैं 4 साइड के और एक ऊपर एक नीचे, टोटल वर्टेक्स आपके 6 हो जाते हैं। जैसे आप इसके सेगमेंट इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपके सेगमेंट स्फीयर के जो पॉलीगन्स है और ये काउंट भी आपके इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो। अब अगर हमारे पास काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, AEC एक्सटेंडेड में जाके अगर मैं कोई एक फॉलोवर्स ट्रीज वगैरह को लेता हूँ तो अब आप देखो कि आपके कितने सारे पॉलीगन्स हो गए, ठीक है। तो जितने ज़्यादा पॉलीगन्स होंगे उतने आपका फाइल साइज हैवी रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करते हैं वो आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा। वरना अगर आप चाहते हो कि प्रॉक्सी क्या होता है, हम इसे लो पॉली में कैसे बना कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटली वीडियो बना पाऊँ। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप अपने पॉलीगन्स को काउंट कर सकते हैं। डिलीट करोगे तो यहाँ पे पॉलीगन्स भी आपके यहाँ पे शो होना बंद हो जाएंगे। इसी चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ यूटिलिटीज़ में और यहाँ पे मोर पे क्लिक करो और यहाँ पे भी आपको मिलेगा पॉलीगन काउंटर्स। अगर आप ओके करोगे तो अब यहाँ पे आपको दिखाएगा पॉलीगन काउंटर में सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्लिक करो कितने आपके बजट है, कितने पॉलीगन काउंट है। यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स पे देखोगे तो टोटल ऑब्जेक्ट्स पे कितने हैं, देखो यही 728 यहाँ पे है जो स्फीयर पे मैंने क्लिक किया हुआ है, और टोटल है 1016, तो 1016 यहाँ पे है, ठीक है। जितने आप यहाँ पे बजट को आप इंक्रीज कर सकते हो भाई, इस पे कितने होने चाहिए, तो ये आपको शो करेगा कि आप सही हो या फिर रेड लेवल पे आपका जा रहा हो तो आपको पॉलीगन्स कम करने की नीड है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सबका दिखाएगा। अब इसको अगर मैं इसके पॉलीगन्स को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, अगर सेगमेंट्स को बढ़ा देता हूँ तो ये बजट से ऊपर चला जाएगा। ये आपको शो कर रहा है कि आपके कितने पॉलीगन्स तक आप जा सकते हो, जितना आपके सही है, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को यहाँ पे काउंट कर रहा है। ट्रायंगल काउंट या ट्रायंगल काउंट पॉलीगन्स वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये था सिंपल सा कैसे पॉलीगन काउंट्स को आप यहाँ पे
ऑन कर सकते हो, डिस्प्ले भी देख सकते हो और किस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आपको मटेरियल से रिलेटेड और जो भी आपका मटेरियल्स है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो आपको मिले, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको हर चीज़ वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरी ऐप पे जाके भी उस चीज़ को परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।